हिमालय की चोटियाँ ये देखिए, ये रानी खेत चकोनी से दिखती हैं आपकी। ये देखो जंगली मुर्गी दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नई सुबह की नई शुरुआत और आप सभी को मेरा प्रणाम। और अभी हो रहा है सुबह का 7:15 और मैं शुरू हो चुका हूँ व्लॉग बनाने के लिए, तैयार हो चुका हूँ। और आज है संडे और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से हल्द्वानी को अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी अभी यहाँ घर के काम करने हैं और उसके बाद मैं निकलता हूँ हल्द्वानी को। अभी कड़क एकदम बढ़िया सी धूप आई है, इस धूप का आनंद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो सीधा आपके फेस पर पड़ती है इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और मैं क्या क्या हो रहा है काम आपको दिखाता हूँ। और मम्मी धोने में लगी पड़ी है कपड़े, पहाड़ों में सुबह सुबह मौसम एकदम ठंडा हुआ रहता है, अगर आप कपड़े नहीं पहनोगे तो आपको बुखार भी आ सकता है। मम्मी ये भी बात चुके हैं बाहर, मम्मी ने धोती हैं कपड़े। ये पहुंच गए हैं हम घर। तो दोस्तों आज अंदर शिफ्ट करना था थोड़ी, तो हमने वो कर चुके हैं पूरा, ठीक है। यहाँ पे सारा काम शिफ्ट, ये बहुत ही कामदार चीज़ है, बहुत पहले की चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो अब मैं लेता हूँ नहा, पानी गर्म हो चुका है, नहाने के बाद मिलता हूँ आपको, दिखाता हूँ पानी किसमें गर्म होता है। अरे गीजर इमें होगा पानी गर्म, तब तक रहो पानी इको न लेनु या बाल्टी में पानी धरबे चका चका धरबे, मैं दिखाने तुम्हें क्या लगनी है, ठीक है। तो अड़ नहीं छी, ये देखो जंगली मुर्गी दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये है जंगली मुर्गी, यहाँ पे चल रही है। ये देखो तीन है, ब्लैक कलर की, देखिए बहुत दूर है यहाँ से। ये देखो एक काली कलर की चल रही है यहाँ पे अभी। तो दोस्तों मैंने नहा धो चुका हूँ फर्स्ट की लास्ट से, अब कर लेंगे थोड़ी बहुत पूजा। पानी ये बेड़ा है हमारा, लेते हैं थोड़ी बहुत पूजा। दोस्तों मेरी हो चुकी है पूजा और मैं निकलता हूँ यहाँ से आगे को, क्योंकि पूजा पाठ करने का मजा ही कुछ और है। भगवान को भी हमेशा हमको समय देना जरूरी है, क्योंकि भगवान हमें समय देता है तो हमें भी भगवान को समय देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये है अपना घर के दर्शन आज कर लेते हैं, देखने को नहीं मिलता है। ये है अपना छान वाला घर और ये खिली हुई है बढ़िया सी धूप। जी भी आ चुके हैं यहाँ पे गौरव जी, क्या लगता है ऋतु एक निकल। गौरव जी आ गया, मौसम का ही खुला हुआ है। गौरव जी भी सुबह सुबह उठ के एकदम बढ़िया से नहा धो के चमाचम बन के आ चुके हैं। आसमान देखो मेरे पीछे कितना साफ हो रखा है, एकदम क्लीन हो रखा है और शहरों को भी लगे पड़े हैं बादल, ऐसा सुनाई में आया है मुझे हल्द्वानी की ओर। तो देखते हैं आज वहीं जाके रासायनिक खेत वो है हमारा दूर, यहाँ से पीछे अड़ी पहाड़ी में दिखता है। और अभी थोड़ी बहुत धूप खिली हुई है, हल्का फुल्का कोहरा भी लगा हुआ है। तो खाना पीना भी हो चुका है, अब बज चुका है 10 बजने वाला है। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से हल्द्वानी की ओर को, तैयार होता हूँ फटाफट, फिर मिलता हूँ आपसे। तो भी है इसको भी चाहिए घूमने के लिए, चल मौसम देख लो एकदम कता ये खतरनाक हो रहा है एकदम। लगे है लियो ये तो लूट लग रही है यह फैर, देख लियो। कुछ व्लॉग अब आपके अलग देखने को मिलेंगे, अभी कुछ टाइम तक तो ऐसे व्लॉग तो नहीं आएंगे पहाड़ी वाले, लेकिन और भी एंगल देखना जरूर, कमेंट भी जरूर करना। साथ और सपोर्टी जरूरत आपसे बहुत ज़्यादा है, 3000 कर दीजिए फटाफट और आगे को दिखाते रहेंगे आपको। तो दोस्तों निकल चुका हूँ मैं घर से और मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले व्लॉगों में। अभी मैं निकल रहा हूँ, अभी 10 बज रहा है, अभी 10 से ऊपर हो गया थोड़ी टाइम। और ये पहुँच चुका हूँ मैं पक्की रोड में और मौसम में हवा भी चल रही है और बादल भी लगे हुए हैं, देखते हैं रानीखेत से कैसा मौसम रहता है आगे को। तो मिलते हैं आपसे आगे सफर में। दोस्तों हिमालय की चोटियाँ ये देखिए, ये रानीखेत चकोनी से दिखती हैं आपकी, बर्फ़ से ढकी हुई एकदम सुंदर सी चमचमाती ये पहाड़ियाँ हिमालय की, कितनी खूबसूरत हैं आप देख सकते हैं। और ये रहा अपना पूरा चकोनी, इसको चकोनी मौन कहते हैं आपका, जो भी यहाँ से होगा यहाँ से अगर वीडियो देख रहा होगा तो यही है वो इलाका जहाँ से इतने प्यारे प्यारे से व्यू दिखते हैं। काफ़ी पहाड़ी मूवियाँ भी यहाँ पर से बनी हुई हैं। यहाँ पर से निकल ही रहा था घर से, तो पीछे भी देख सकते हैं आप मेरे घर पे,
क्या प्यारी सी पहाड़ी चोटियाँ दिख रही हैं, बर्फ़ से ढकी हुई लदी हुई। आज का मौसम ठंडे का है तो बर्फ़ पड़ी रहती है और काफ़ी प्यारा मौसम यहाँ पे, काफ़ी प्यारी धूप के लिए भी, हल्के हल्के पीछे बादल भी लगे हुए हैं, जिससे काफ़ी सफ़र का आनंद भी आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है साथ में सफ़र में। ये व्यू मिलना बहुत आसान भी नहीं है हमें जो दिख रहा है यहाँ से। शहरों में ये चीज़ देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है जो इस पहाड़ों में सुकून है, खूबसूरती है, आप देख सकते हैं इसे। मन होता है यहाँ पर ही बैठ के इसको निहारते रहें काफ़ी टाइम तक। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर जरूर रुकता हूँ चौकनी पर, ताकि यहाँ से इस प्यारे से व्यू का आनंद ले सकूं। बादलों से घिरा हुआ ये पहाड़ कितना सुंदर और सौंदर्य से भरपूर है, देख सकते हैं आप। कोई व्यक्ति यहाँ पे एक बार आ गया है तो ज़रूर यहाँ पे एक बार जरूर रुकेगा, अगले बार यहाँ से जब जाएगा। और काफ़ी ऊंचाई पे यहाँ पे पहाड़ है, लोगों ने यहाँ पे धीरे धीरे होटल रिजॉर्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। पहाड़ों में रोज़गार की कमी पहले थी, अब धीरे 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 आदमी अपना स्वयं का रोज़गार शुरू कर रहा है ऐसे रिजॉर्ट होटल खोल के, ऐसे प्यारे से व्यू के साथ आप देख सकते हैं। ज़्यादा आपका समय जाया ना करते हुए हम मिलते हैं आगे। मैं चलता हूँ यहाँ से सफ़र अपने आगे को कंटिन्यू करता हूँ और मिलता हूँ आपको आगे ऐसे ही दिखाते हुए कुछ सौंदर्य से दृश्य और सुंदर मनोरम दृश्य। दोस्तों यह है कैंची धाम मंदिर, यहाँ पे लगा बड़ा तगड़ा वाला जाम, ये देखिए लंबा जाम है, महंगा कहाँ से काट के आ रहा हूँ। तब तक आप दर्शन ही कर लीजिए यहाँ बाबा जी के। दोस्तों आपको जाम दिखाता हूँ मैं यहाँ से, देखिए भीमताल से नीचे को पूरा पैक है और ये रहा अपना हल्द्वानी नीचे। थोड़ी बादल, थोड़ी सा मौसम कोहरा टाइप जैसा लगा हुआ है, नीचे है थोड़ी सा जाम, तो निपटते हैं इससे। पहुँच चुका हूँ यहाँ भीमताल से नीचे, उतर रहा हूँ धीरे धीरे करके। बहुत लंबा जाम मिला आज, बहुत ज़्यादा लंबा जाम। दोस्तों फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं हल्द्वानी, और हल्द्वानी में तो हो रहा है कुछ गर्म गर्म टाइप का, मैंने पहन लिया हाफ टी शर्ट ही। और मिलते हैं आपसे ऐसे एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसी कुछ नए वीडियोस के साथ। नितिन चल रहा अगड़ा मतलब कि मैच चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप 240 का टारगेट दे रखा है ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने, हम देखते हैं क्या होता है।